प्रदेश सरकार के निर्देश पर मोहन सिंह मेहता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ को आधुनिक बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी के गुप्ता ने बताया कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन तथा एक्सरे मशीनें लगाई जा चुकी हैं तथा सभी जांचें अस्पताल में ही हो रही हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड के लाभ भी मरीजों को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि नर्सिंग स्टाफ की तैनाती भी की जा चुकी है। मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ। आज हमारे यहाँ से फैमिली प्लानिंग से प्रोग्राम हो रहा है, जो सर्जन से राजीव उपाध्याय जिला अस्पताल से अपने टीम को लेकर के आएंगे। कम से कम 40 लोगों का से फैमिली प्लानिंग होना है। महिला इसमें से 38 है और 2 पुरुष हैं। और इसका जो है आशा कार्यकर्ता जो है हमारे पूरा ब्लॉक के सब बेनिफिशरी को लेके आई है। और एक चीज़ और आपको इस ब्लॉक के लिए बहुत ही शुभकामना है कि हमारे यहाँ से ब्लॉक में 10 नर्सिंग स्टाफ आ गए हैं, नर्सिंग ऑफिसर, जो कि हर एक पेरिफेरल हर एक पीएससी में उनको से नियुक्ति दे दी गई है और ज्वाइनिंग भी कर लिया है। अब डिलीवरियाँ अब पूरी गांव में मतलब कि पीएससी के अंडर में डिलीवरियाँ भी होगी। अब बहुत अच्छा सुविधा सभी को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें गर्भवती जो महिला जो दूर दराज गाँव से आती है हमारे पीएससी में आती है, पीएससी में आती है, उनका वहीं पर पीएससी में ही डिलीवरियाँ वगैरह हो जाएंगी। और तीसरी बात है कि आयुष्मान कार्ड सभी लोग बना लें, उसका निःशुल्क यहाँ जाँचें होती हैं, इलाज होता है निःशुल्क और उसके दरमियान भर्ती भी होते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आयुष्मान कार्ड का लाभ लें। और चौथी बात यह है कि हमारे यहाँ सब जाँचें की सुविधा उपलब्ध है। एक्सरा मशीन हाईटेक डिजिटल एक्सरा मशीन आ गया है और अल्ट्रासाउंड मशीन एक नई मशीन आई है, वो भी हाईटेक मशीन आई है। और यहाँ पर निःशुल्क चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर से निःशुल्क जाँचें होती है, उसका भी लाभ लें। और तीसरी बात है कि हमारे हॉस्पिटल में भी जाँचें होती है, जो कि BPL आयुष्मान और AC ये सब निःशुल्क जाँचें होती है। और जो जनरल का है उसमें टेबल होता है और वो चार्जेस लिमिटेड होते हैं। तो सभी से निवेदन है कि बाहर जाँच ना करवाएं और हमारे अस्पताल में ही जाँच करवाएं, जो भी जाँचें करवानी है। CGN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।